बलियापुर थाना क्षेत्र के कुसमाटांड पंचायत के रानी रोड सड़क किनारे स्थित खस्सी व मीट व्यवसायी राम भजन रवानी के घर से सेंधमारी कर घर में घुसे चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने के झुमके और नगद लगभग 2.5 लाख रुपए सहित कुछ अन्य सामान चुरा कर ले गए। भुक्तभोगी राम भजन रवानी ने बताया कि वह रविवार 17 अप्रैल को सपरिवार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने नीमटांड गया हुआ था। सोमवार की सुबह लौटने पर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, सारे सामान बिखरे पड़े हैं और बक्सा का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे खस्सी के ऑर्डर के सारे पैसे और झुमका सहित अन्य सामान गायब है। इसके बाद उसने इसकी सूचना स्थानीय मुखिया, आसपास के लोगों और बलियापुर थाना को दिया। सूचना पर पहुंची बलियापुर पुलिस ने मामले की छानबीन की, फिर शाम को बलियापुर पुलिस द्वारा खोजी कुत्ता भी लाया गया परंतु किसी प्रकार का सुराग नहीं मिल सका। बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने बताया कि मामले को लेकर अभी तक लिखित आवेदन नहीं दी गई है, मौखिक सूचना के आधार पर जांच पड़ताल किया गया। लिखित आवेदन दिए जाने के बाद मामला दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जाएगा। देखिए मामला खासी दुकान करते हैं और इसी में हम ऑर्डर लिए थे, तो 3-3 का ऑर्डर लिए थे। क्या चीज का ऑर्डर लिए थे? खासी का, खासी दुकान है मेरा, 2.5 लाख मोटामोटी 2 से 2.5 लाख रुपया चोरी हुआ। और कहाँ रखा हुआ था 2 से 2.5 लाख? बस्का में रखे थे। तो पैसा के अलावा और क्या कुछ चोरी हुआ? पैसा के अलावा कुछ झुमका चोरी हुआ है और एगो थाल ले गया है कासा वाला, एगो कासा वाला गोरोया ले गया है और साइकिल एगो ले गया है। जिस वक्त चोरी हुई आप लोग कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त हम लोग निमटाड़ गए थे शादी में। आप लोग को कब पता चला कि चोरी की घटना हुई है? आके देखे तो देख रहे हैं घर खुला हुआ है, सब कुछ लेके चल रहे हैं। तो ये जो चोरी की घटना को अंजाम दी गई है, चोर किस रास्ते घर में प्रवेश किया? पीछे तरफ से, पीछे तरफ से सीन मार के घुसा। आपने इसकी जानकारी बलियापुर पुलिस को दी है? जानकारी दिए हैं, फोन किए थे, दबाया, आप जाएंगे आगे। फिर पुलिस क्या कुछ उसमें कार्रवाई की है अभी तक? कार्रवाई किया है, अब सवेरे आया दो बार, अभी भी आया कुत्ता उत्ता लेके। फौजी कुत्ता, क्या कुछ निष्कर्ष निकला उसमें? ना अभी तक तो कुछ सुराग नहीं मिला है। क्या नाम हुआ? राम भजन रवानी।